राष्ट्र का विकास और समृद्धि साथ साथ आगे चलती है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कश्मीर पहुंचने के लिए लोग सड़क या हवाई मार्ग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जल्द ही महत्वाकांक्षी परियोजना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद लोग रेलगाड़ी से दिल्ली से श्रीनगर तक का सफर कर सकेंगे। परियोजना में कई पुल और सुरंगों का निर्माण होना है। ऐसी ही एक पुल चेनाब नदी पर स्थित चेनाब रेलवे ब्रिज है। चेनाब रेलवे ब्रिज कोई साधारण पुल नहीं है। अपने निर्माण के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज होगा। रेलगाड़ी नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर चलेगी और आसपास के सुखद दृश्य निश्चित ही यात्रियों को आनंदित, उत्साहित और गौरवान्वित करेंगे। चेनाब रेल ब्रिज की ऊंचाई ही रोमांचित नहीं करती, बल्कि इसकी कई अन्य मुख्य विशेषताएं भी इसकी इंजीनियरिंग को अनोखा और खास बनाती है। चेनाब ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें कुल 17 स्पैन हैं और मुख्य आर्क 467 मीटर का है। इस पुल को बनाने में करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। आपको बता दें कि ये पुल आसानी से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा का सामना कर सकेगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से जैसे ही हवा 90 किलोमीटर प्रति घंटे को पार करेगी, पुल पर यातायात के लिए लाल निशान का संकेत हो जाएगा। इस पुल के महत्व के चलते भारतीय रेलवे द्वारा चेनाब ब्रिज के डिजाइन में पहली बार ब्लास्ट लोड फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है। वर्तमान में चेनाब ब्रिज के आर्क के ऊपर ट्रेसल खड़ा किया जा चुका है। ट्रेसल के ऊपर डेक का निर्माण किया जा रहा है। चेनाब पुल का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल 2023 तक रेल यातायात के लिए चालू हो सकता है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि ये भारत की सरजमी पर इस तरह की इंजीनियरिंग के चमत्कार को साकार किया जा रहा है। इस ब्रिज निर्माण का ठेका एफकॉन को दिया गया है। इसके निर्माण में कोंकण रेलवे और डीआरडीओ भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस देश के नागरिक के रूप में हर किसी को इस संरचना को संभव बनाने में शामिल एजेंसीज और उनकी कड़ी मेहनत का पता होना चाहिए। इस तरह के विश्व स्तरीय निर्माण कार्य से क्षेत्र में क्रांति आई है। भारत का निर्माण उद्योग लाखों करोड़ों श्रमिकों को रोजगार देता है, और जब बात जम्मू कश्मीर के रेल नेटवर्क की हो तो रोजगार के साथ ये कश्मीर घाटी में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। कश्मीर जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पावर बूस्टर साबित होगा। कश्मीर से दिल्ली आने वाले ट्रकों को 48 घंटे तक समय लगता है, लेकिन जब ब्रिज शुरू हो जाएगा तो कश्मीर का माल ट्रेनों के जरिए सिर्फ 20 से 22 घंटे में ही दिल्ली पहुंच पाएगा। इससे सामान के ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली लागत कम होगी, जिससे व्यापारियों के मुनाफे में बढ़ोतरी होगी और कश्मीरी सामान भी सस्ता हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सिर्फ शुरुआत है और चेनाब ब्रिज की तरह भारत में और भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और आने वाले समय में इसे पूरा होते देखा जा सकता है। बताते चलें कि चेनाब रेल ब्रिज को दिसंबर 2009 में तैयार करना था, लेकिन सितंबर 2008 में ब्रिज की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर पनपी चिंताओं की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। फिर साल 2010 में एक बार फिर पुल पर काम शुरू हुआ। जब साल 2010 में इसका काम दोबारा शुरू हुआ तो इसे 5 साल के भीतर यानी कि 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन समय समय पर उत्पन्न होने वाली तरह तरह की समस्याओं की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिर जुलाई 2017 में निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।